प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के रांची से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। योजना से करोड़ों देशवासी होंगे लाभान्वित। गरीब लोगों को 5 लाख तक का हेल्थ क्लेम देने वाली दुनिया की सबसे बड़ी योजना। सेना के सप्त शक्ति कमान की ओर से जयपुर में मनाया जा रहा है हाइफा दिवस। थल सेना अध्यक्ष ने कहा, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। कोटा में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने शक्ति केंद्र सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। कहा, कार्यकर्ताओं के दम पर ही जीतते हैं चुनाव। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सीकर के नीम का थाना में गौरव यात्रा के दौरान आयोजित जनसभा में शहीद परिवारों के सम्मान भत्ते को दुगना करने की घोषणा की। कहा, शहीदों और सैनिकों की सूची थानों में होगी संधारित। और प्रदेश के अनेक स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने से तापमान में आई गिरावट। मौसम खुशनुमा होने से राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के लोगों को गर्मी से मिली राहत। नमस्कार, हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। आइए अब खबरें सुनते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत आज झारखंड के रांची में की। इसके साथ ही देश के 26 राज्यों में भी उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों ने भी इस योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्वे भवंतु सुखिना का जो सपना हमारे ऋषि मुनियों ने देखा था, उसकी शुरुआत आज आयुष्मान भारत के साथ पीएम जय से हो रही है। उन्होंने कहा कि देश के गरीब लोगों को 5 लाख तक का हेल्थ क्लेम देने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। और देखा आपने, चेहरे की मुस्कुराहटें बता रही हैं कि अंतिम आदमी के मन की भी खुद भी आहत हो जाते हैं। माननीय संगे मोयम भगवान बिरसा मुंडा कर धरती में आ हो, मोया आपन के भाईशाली मानोना की दुनिया कर सबसे बड़ा स्वास्थ्य योजना कर शुरू झारखंड कर पवित्र धरती से करत हो। गरीब से गरीब को इलाज मिले, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिले, आज इस सपने को साकार करने का एक बहुत बड़ा अहम कदम इस बिरसा मुंडा की धरती से उठाया जा रहा है। आयुष्मान भारत के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जय आज से लागू हो रही है। इस योजना को हर कोई अपने अपने कल्पना के अनुसार नाम दे रहा है। कोई इसे मोदी केयर कर रहा है, कोई कह रहा है गरीबों के लिए योजना है, अलग अलग नामों से लोग पुकार रहे हैं। लेकिन मेरे लिए तो ये हमारे देश के दरिद्र नारायण की सेवा का एक महामूला अवसर है। गरीब की सेवा करने का मैं समझता हूं उससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है, अभियान नहीं हो सकता है, योजना नहीं हो सकती। देश के 50 करोड़ से ज्यादा भाई बहनों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ एश्योरेंस देने वाली
ये दुनिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है। जयपुर स्थित सेना की 61वीं कैवेलरी मुख्यालय में कल हाइफा दिवस शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान समर्पित आतंकवादी जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं उसको लेकर आतंकवादियों के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थल सेना अध्यक्ष ने बताया कि सेना के मनोबल को बरकरार रखने के लिए 29 सितम्बर को सर्जिकल स्ट्राइक दिवस मनाया जा रहा है। And prepares for the next element of the. Well, I think our government's policy has been quite clear and concise. We have made no bones about the fact that talks and terrorism cannot go hand in hand. So I think what we are following is our stated policy, which we have repeated time and again. And therefore, I think Pakistan needs to curb this menace of terrorism. And not allow their soil to be used by terrorists against our people. We do not believe in any barbaric acts. We believe in carrying out every operation in the manner in which it needs to be conducted. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कोटा में शक्ति केंद्र सम्मेलन और पार्टी के साइबर सेल से जुड़े कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव नेताओं का नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं का है। नेता कार्यकर्ताओं के दम पर ही चुनाव जीतते हैं। इस मौके पर भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, कृषि मंत्री बाबूलाल सैनी सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। गैस का सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ढेर सारे काम करते हो। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शहीदों के परिवारों के लिए सरकार ने कई कल्याणकारी कदम उठाए हैं। आज़ादी के बाद शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने, मेडल धारकों को पुरस्कार राशियों में बढ़ोतरी करने और पूर्व सैनिकों को राज्य सेवा में 5% आरक्षण जैसे प्रावधान किए हैं। मुख्यमंत्री कल सीकर जिले के निमका थाना में गौरव यात्रा के दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शहीद परिवारों को मिलने वाले सम्मान भत्ते को दुगना करने और प्रदेश के सभी थानों में शहीदों और सैनिकों की जानकारी संग्रहित करने की घोषणा की। खोल दिया है, उसमें बहुत जल्दी खोलने का काम आपको मालूम है हो रहा है। उसके अंदर नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने के लिए 11वीं और 12वीं के बच्चों को विशेष ट्रेनिंग हम उन स्कूलों में दे रहे हैं। ये एक रहने वाली एकेडमी है जिसमें बच्चे बोर्डिंग में जा सकते हैं और कोई ब्रिगेडियर रैंक का व्यक्ति और कोई रिटायर्ड ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर इसका डायरेक्टर होगा कि पूरे प्रदेश के थानों में उस क्षेत्र के शहीदों और सैनिकों की हम सूची इकट्ठा कर रहे हैं और उस क्षेत्र के जो भी थाना अधिकारी हैं वो समय समय पर परिजनों से मिलेंगे और जिम्मेदारी लेके उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। केंद्रीय खेल और युवा मामला मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि ओलंपिक और अन्य विश्व स्तरीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए सरकार बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बजट मुहैया करवा रही है। इसके साथ ही कर्नल राठौड़ ने खेलों में निवेश करने के इच्छुक लोगों से भी सहयोग करने की अपील करी। स्पोर्ट्स साइंस का जो महकमा है, जो पूरा डिपार्टमेंट है, उसको बहुत सुधारना है और एक इस तरीके एक सिस्टम में हमें लेकर आना है जहां हर चीज डिजिटलाइज हो जाए, हर चीज डिजिटाइज हो जाए और स्पोर्ट्स फेडरेशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, खिलाड़ी, खिलाड़ी के कोचेस और साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स असाय, इन सभी को एक खिलाड़ी का जो प्रोफाइल है, बायो प्रोफाइल, वो हर समय इन सभी को के पास उपलब्ध हो ताकि ये अपनी प्लानिंग आगे की कर सकें। आपके जो मसेओर्स होते थे, जो फिजियोथेरेपिस्ट होते थे, उसमें बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। उनकी जो तनख्वाह है
वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक निर्णय ने 100% बढ़ा दिए. वी हैव डबल्ड द इनकम फॉर फिजियोथेरेपिस्ट एंड मसाज. बट नाउ वी नीड टू टेक मेनी मोर स्टेप्स अहेड टू प्रोफेशनलाइज दिस सर्विस दैट इज अवेलेबल टू यू. यू आर लाइक अ मशीन विच इज परफॉर्मिंग एंड योर शेल्फ लाइफ इज लिमिटेड एंड देयरफॉर वी वॉन्ट टू मेक दिस मशीन दैट यू आर बिल्डिंग योर सेल्फ विद योर ब्लड एंड स्वेट टू वर्क द बेस्ट. राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के अनेक स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने से पिछले एक सप्ताह से ज्यादा समय से गर्मी की मार झेल रहे प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत मिली है. जयपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में कल से चल रहा बारिश का दौर आज भी जारी रहा. रविवार को अवकाश का दिन होने और मौसम सुहावना होने से स्थानीय लोगों के साथ यहां आने वाले सैलानी भी इसका लुत्फ उठा रहे हैं. मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है. और अब है खास खबरें फिर से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के रांची से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की. योजना से करोड़ों देशवासी होंगे लाभान्वित. गरीब लोगों को 5 लाख तक का हेल्थ क्लेम देने वाली दुनिया की सबसे बड़ी योजना. सेना के सप्तशक्ति कमान की ओर से जयपुर में मनाया जा रहा है हाइफा दिवस. थल सेना अध्यक्ष ने कहा पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है. कोटा में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने शक्ति केंद्र सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र. कहा कार्यकर्ताओं के दम पर ही जीतते हैं चुनाव. मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सीकर के नीम का थाना में गौरव यात्रा के दौरान आयोजित जनसभा में शहीद परिवारों के सम्मान भत्ते को दुगना करने की घोषणा की. कहा शहीदों और सैनिकों की सूची थानों में होगी संधारित. और प्रदेश के अनेक स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने से तापमान में आई गिरावट. मौसम खुशनुमा होने से राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के लोगों को गर्मी से राहत मिली. इसके साथ ही समाचार बुलेटिन पूरा हुआ. नमस्कार.